नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। व्यापार की दुनिया हो, खेल जगत हो, अपराध की दुनिया हो या फिल्मी दुनिया की हो, कोई खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती है मातृभूमि टीवी पर। सबसे पहले मैं करता हूँ खबरों की पड़ताल, जाता हूँ खबरों की तह तक, फिर सच्ची खबरें लाता हूँ आप तक। इसलिए इस तरह की सभी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों, जैसे आपको मालूम है कि आज 16 तारीख है, लगातार 4 हियरिंग के बाद कल शाम को कोर्ट से फैसला नहीं सुनाया जा सका था, लेकिन जज महोदय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो फैसला आज शाम तक किसी भी वक्त आपके सामने आ सकता है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि आज जो फैसला आए वो हमारे हक में हो। और निवेशक बहुत परेशान है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, अगर ये फैसला आज अपने पक्ष में आता है, जिस तरीके से पूरी पूरी संभावना भी है, तो आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगा और जल्द से जल्द आपकी रिहाई का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और बाकी जो भी केसेस होंगे उसके लिए बहुत बड़ी नज़ीर बनेगा नामपल्ली कोर्ट, सेशन कोर्ट का ये रिज़ल्ट, जिस तरह से कि पुराने जो भी फैसले आए थे वो भी इसमें एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। तो साथियों, अच्छा दूसरी एक बात ये है कि कल आपा के गिरने की जो वीडियो थी वो अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग तरीके से वायरल हो रही थी। मैंने आपको कल साफ तरीके से बताया था कि 7 तारीख के बाद 15 तारीख तक लगातार रोजे के 8 दिन पूरे हो चुके हैं और जेल के अंदर वो सारी सुविधाएं नहीं होती हैं जैसा हम आप बाहर जो सुविधा ले लेते हैं वैसा नहीं होता है। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, खाने के लिए खाना नहीं मिलता। जो लोग जेल कभी जीवन में गए होंगे या किसी से मिलने गए होंगे या बाहर आने वाले से आप पूछिए कि वहाँ पर क्या होता है। और तो दोस्तों, इसलिए इसको इस तरीके से लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात साथियों, देखिए जो ईडी की जांच चल रही है उसको भी लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे थे। विक्टिम ग्रुप में उस साइट से मैं देख रहा था, तमाम मैसेज मुझे मिल रहे थे। देखिए दोस्तों, ये ईडी कस्टडी लोगों के दिमाग में भर जाता है कि यार ईडी कस्टडी में है तो क्या प्रॉब्लम है। साथियों देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर के बगल किसी को फ़ोन करते हैं फायर ब्रिगेड को कि आग लगी है, तो आप मुझे बताइए फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पानी के साथ फायर फाइटर्स के साथ आ जाएगी, वो जाँच करेगी, उसके बाद उसको पता चलेगा कि आग नहीं लगी है। लेकिन उसका काम है आके वहाँ पता करना कि आग लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि कंप्लेंट की गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो कि आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आपके पास सामने आरटीओ वाले ने आपको रोक लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं। आपका क्या काम है, आप आरटीओ के सामने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पीयूसी, अपना आरसी बुक, अपना जो भी इंश्योरेंस का पेपर, सब कुछ आप दिखा दीजिए, उसके बाद आप चले जाएंगे। तो आरटीओ के चेकिंग करने से आप दोषी नहीं माने जाएंगे, आप पूरा वेरिफिकेशन के बाद ही आपको दोषी माना जा सकता है। जिस तरह तो दोस्तों, इसी तरीके से पुलिस स्टेशन का मामला भी होता है। आज देखिए, भारत को स्वतंत्र होकर के 1947 के बाद 70 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग पुलिस स्टेशन के नाम से डरते हैं, जबकि पुलिस स्टेशन कोई डरने वाली जगह नहीं होती है, वो इंसाफ की जगह है। आज भी अगर किसी के घर में पुलिस आ जाए तो लोग बोलते हैं यार पुलिस आ गई, लोग उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन बाहरी ममालिक में जो दूसरे देश हैं वहाँ पर पुलिस को अलग तरीके से लिया जाता है और भारतवर्ष में पुलिस को अलग तरीके से लिया जाता है। आज ये ज़रूरत है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कि कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, पुलिस आ रही है, कोई जाँच कर रही है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रकार से दोषी नहीं है और आपको अपने पर पूरा भरोसा है तो फिर आपको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए और कानून में आपको पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा। ऐसे ही आपा वाले मामले में भी होगा, ईडी जांच कर ले, सीबीआई जांच कर ले, सीआईडी जांच कर ले, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनको अपने आप पर पूरा भरोसा है और देश के इन्वेस्टर्स को पूरा भरोसा है, तो चंद लोगों के साजिश रच लेने से, चंद लोगों की कंप्लेंट करने से, एफआईआर करने से, और वो कितने भी एफआईआर कर ले, 50 एफआईआर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द जज भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं
और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी सब मालूम होता है। जैसे ही कुछ मामलों में वेल्स आ जाएंगी, बाकी ऑटोमेटिकली FIR होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट भी इस बात को कंसीडर करेगा कि इतने सारे मामलों में कहीं पे भी जब दोषी नहीं ठहराया जा सका तो बाकी नए मामलों का क्या मतलब होता है। तो वकील भी इसमें अपना काम कर रहे हैं, जज भी इस केस को पूरी सीरियसली देख रहे हैं, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी कभी ऐसा न्यूज, वो लोग, अब सोचो एक चैनल वाले भाई साहब मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि मैं पैनिक क्रिएट कर रहा हूँ। अरे मैं लोगों को समझाने का काम करता हूँ। बताइए शहबाज खान साहब, रात के 10 बजे 8 बजे उनका वीडियो आया था, लेकिन फिर रात के 10 बजे आ गए ये बताने के लिए कि ईडी की कस्टडी मिल गई है। आप बताइए दोस्तों, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि पैनिक कौन फैला रहा है। पहले उनको पैनिक की परिभाषा नहीं पता है कि पैनिक क्या चीज़ होती है। पैनिक का मतलब ये होता है कि ऐसी खबर जिससे लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाए। और मैं देता हूँ समझदारी वाली खबरें और आपको बताता हूँ पूरी की पूरी बात, ताकि आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट ना हो। तो ये तो वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं खुद नए नए हथकंडे अपना करके, वो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं पैनिक फैला रहा हूँ। ये तो मैं देश की जनता को, दुनिया को, पूरी जनता को ये बात पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और वो लोग क्या काम कर रहे हैं। आपा ने 2012 के बाद एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ईडी को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उन्होंने अपने सारे ट्रांजैक्शन की पूरी रिपोर्ट दे दी और बाद में ईडी ने क्लीन चिट दे दिया। किस तरीके से जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की और कंपनी को पूरी तरीके से नीट और क्लीन पाया। तो आप बताइए, जब इतनी सारी जांच कंपनी में चल रही थी तो बाद में क्या वो कोई घपला घोटाला उसमें करेंगे? उन्होंने बाद में उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा, यानी ट्रांसपेरेंसी का जो पैरामीटर है उन्होंने बाद में उसे चेंज किया और ज़्यादा चेंज किया, और एक एक चीज़ एक एक परसेंट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है हीरा गोल्ड कंपनी ने सीधा सी डॉक्टर लोहिरा से एक आपा सीधे सीधे कह रही हैं कि आप लोगों को जो पैसा देना है उससे ज़्यादा की जो गोल्ड्स हैं या अलग अलग प्रकार के जो एसेट्स हैं कंपनी के पास अवेलेबल है, और ये लोग जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी के पास जो एसेट है, जो पैसा है, उसका आंकड़ा पेश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद आंकड़ा पेश कर रहे हैं। जब तक कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जब तक देश की कोर्ट इस किसी को दोषी नहीं ठहराता है, तब तक कोई भी बाहर का आदमी कुछ किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। व्यक्तिगत दुश्मनी के मामले को लेकर कोई कुछ भी अनाप शनाप बकता रहे, लेकिन वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती है। ऑथेंटिक वही होती है जो कानून कहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को, जो भी मेरे भाई 3 लाख इन्वेस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, कोई भी मेरे लिए एंटी नहीं है, कोई भी मेरे लिए प्रो नहीं है। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, पूरे देश में पहुँच रही है, बाहर के मुल्कों में पहुँच रही है, पूरे गल्फ़ में, एशिया, यूरोप में, USA में, यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ तक भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर को 1 रुपये के लिए आपका 50 लाख जमा है कि आपका 50 करोड़ जमा है कि आपका 5 रुपया जमा है, कंपनी आपको पैसा देगी। बिल्कुल आप पूरी तरीके से श्योर रहिए, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये लोगों का आंकड़ा पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद है। दोस्तों, बस आपको मैं यही बात कह सकता हूँ मातृभूमि TV के माध्यम से कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई छोटी सी हल्का सा कोई इनको पॉइंट मिला, तुरंत वीडियो बनाना शुरू करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ढिकड़ा मुकड़ा फलाना कुछ भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों सही खबर कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी निवेशक बंधु हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। खाली हाँ, ये लेट हुआ है, और आपा को भी बहुत चिंता है इस बात की जेल में कि जो लेट हुआ है, और रमज़ान के महीने में लोगों को, उन्होंने टारगेट लिया था कि रमज़ान के पहले लोगों को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन चूँकि लोग नया नया FIR करते चले गए, और वही लोग आज रोना रो रहे हैं कि बाहर नहीं आ रही है, बाहर नहीं आ रही है। अरे जब तुम्ही लोगों ने बाहर ना आने का पूरा रणनीति तैयार कर लिया है, तो उनको तो कानूनी तरीके से बाहर आना है। देखिए दोस्तों, आरोप लगाने बहुत आसान होता है,
आरोप लगाने वाला लगा के चला जाता है, लेकिन सफाई देने वाले को पूरे सिस्टम से सफाई देना पड़ता है। ये अपने देश का कानून ऐसा है। यही वजह है कि आरोप लगाने वाले आरोप लगा देते हैं, लेकिन सफाई देने का जो कानूनी प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। तो आपको देश के कानून पर भरोसा करना चाहिए और आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जैसे ही खबर आती है नामपल्ली सेशंस कोर्ट की, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। मेरे रिपोर्टर, मेरे काबिल दोस्त इस समय वहाँ पर मौजूद है। मैं तुरंत आपको खबर बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो अगर मिलता है मुझे, तो 2012 के बाद जो ईडी ने जो जाँच की थी उसमें आपने जो बयान दिया था वो मैं साथ में लगा दूंगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज। जय हिंद। काम नहीं करते। और उसके बाद लिखा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पिछले साल जो है हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टीज को चेक कर रही है वगैरह सब कुछ। हाँ, बेशक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भी ऐसा ही गलत इंफॉर्मेशन दिया गया और बैंक से जो पैसे आए थे उसको पकड़ा के दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम दूसरे दिन ही सबमिट कर दिए फलाने फलाने चेक से, ये पैसे हमने ड्रा किए थे, हमारा वाइट मनी है, सब कुछ भी करके बोल के। उसके बाद उन्होंने भी आकर सारे चीज़ें लेके गए और सारे चीज़ें चेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, हमारी गलती अल्लाह के फजल से वहाँ पर भी। तो और उसके बाद जो